नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में लोहरदगा नगर भवन में जिला कृषि मेला सह विकास मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब इन्हें राज्य मिला था तब खजाना पूरी तरह से खाली था। COVID-19 में भी काफी परेशानियों के साथ राज्य सरकार ने कार्य करने का काम किया। कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के साथ साथ राज्य की स्थितियों को सुधारने का भी कार्य किया गया। मंत्री उरांव ने कहा कि जब इन्हें सत्ता मिली थी तब लोग काफी परेशान थे, लोगों के कार्यों को पूरा नहीं किया जाता था, कार्यालयों का चक्कर राज्यवासी लगाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां इसके विपरीत हैं। राज्य पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, जन समस्याओं को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास कांग्रेस और JMM के द्वारा ही हो सकता है। भाजपा के कार्यकाल में स्थितियाँ काफी चिंताजनक थी, जिसे राज्य की जनता समझ चुकी। मुख्यालय में नहीं, जिला मुख्यालय में नहीं, प्रखंड मुख्यालय में नहीं, पंचायत मुख्यालय में नहीं, सरकार के कर्मचारी परंपरा से हट करके जनता के द्वार में जा रहे हैं। नई परंपरा शुरू की गई है और इसे जारी रखा जाएगा। लोगों के घर में जाकर, लोगों के पंचायत में जाकर, लोगों के टोले में ही जा करके सरकारी कर्मचारी उनको लाभ देंगे, योजनाओं की जानकारी देंगे और योजनाओं का लाभ। सर, BJP प्रखंड अध्यक्ष क्या कहेंगे? क्या भाई, फुर्सत में रहने, जो विपक्ष में रहता है फुर्सत में रहता है। हम लोग विपक्ष में थे तो फुर्सत में थे। 29 दिसंबर 2019 के पहले हम लोग भी थे, धरना का कार्यक्रम चलाते रहते थे, तो कौन सा नहीं चाहिए, करना चाहिए, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। उससे हम सीखेंगे, जागरूक भी होंगे, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको देखना होगा, देखना चाहिए अपने अपनी सरकारों को। उनकी सरकारें जब थी 15-16 साल तक उनकी सरकारें थी, उन्होंने कहा कि वो कोटा देते थे पेंशन का। आज इस बार 2000 लोगों को, अगले साल 4000 लोगों को, इस तरह से अभी क्या सरकार ने किया, 13 लाख लोगों को एक मुश्त में, एक चोट में, एक स्ट्रोक में, अंग्रेजी में, पेंशन देने का काम किया है। वैसे लोगों को पेंशन दिया जाएगा जो 60 और 60 से ऊपर हैं, 60+ हैं, हर दिव्यांग को, हर विधवा बहनों को पेंशन दिया जाएगा। राज्य की जनता खुशहाली की ओर बढ़ रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स राज्य का आगे बढ़ गया। सबको साड़ी धोती मिल रही है, जो कार्डधारी हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, हरा कार्ड दे करके सरकार अपने पैसे से दे रही है। अभी सुना मुख्यमंत्री जी, पारा टीचर कितना बेचारे हड़ताल लाठी खाते थे, पिछली सरकार में लाठी खाया था, अब क्या है, आज फूल बरसा रहे हैं उन पर, हम लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। 50% उनका वेतन बढ़ा दिए, छुट्टी दे दिए, हर साल 4% उनको वेतन वृद्धि मिलेगी। इससे बेहतर काम कौन सरकार उनके लिए हो सकती है? कर्ज माफ़ी कर दिए 50,000 तक, 50,000 कर्ज माफी कर दिए, पैसे कम था इसमें 50,000 के, न तो 1 लाख तक करते हम, कुछ छोड़ा कहाँ था उन्होंने, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो इस तरह से हम लोग, हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ा बड़ी बड़ी बातें कहना बेकार है, हम इतना ही कहेंगे